हेलो दोस्तों, मैं दीपक महोबिया, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं नेशनल पेंशन सिस्टम के टायर टू अकाउंट से ऑनलाइन आंशिक पैसा आप कैसे निकाल सकते हैं, साथ में इसमें लगने वाले टैक्सेशन के बारे में भी थोड़ी जानकारी दूंगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आपने NPS में टायर वन और टायर टू दोनों अकाउंट ओपन किया हुआ है और टायर टू के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो इसको सिंपल वे में आप समझ सकते हैं कि एक प्रकार से ये म्यूचुअल फंड है। अब आपको टायर टू से अगर पैसा निकालना है तो सबसे पहले आपको CRA NSDL की साइट को विजिट करना होगा। तो आपको CRA-NSDL.com आप इस साइट में एंटर करेंगे तो आपको फिर अपना यूजर ID और पासवर्ड देना होगा, और साथ में जो कैप्चा आएगा उसका भी डिटेल आपको एंटर करके सबमिट करना होगा। जैसे ही आप सबमिट करेंगे उसके बाद में फिर NSDL CRA का साइट ओपन हो जाएगा, जिसमें आपके NPS टायर 1 और टायर 2 के कंट्रीब्यूशन के बारे में, इन्वेस्टमेंट समरी, सभी डिटेल यहां पे अवेलेबल होगा। तो अब आपको पार्शियल विड्रॉल करना है, तो उसके लिए करना ये है कि जो पहला मेनू ऑप्शन दिख रहा है, जो ट्रांजेक्ट ऑनलाइन, इस ट्रांजेक्ट ऑनलाइन पे क्लिक करना है, जिससे जो नीचे जो सब मेनू जो डिटेल दिख रहा है वो अपीयर होगा, उसमें विड्रॉल। जब आप विड्रॉल पे क्लिक करोगे तो अगेन पार्शियल विड्रॉल फ्रॉम टायर वन, व्यू पार्शियल विड्रॉल रिक्वेस्ट स्टेटस, विड्रॉल फ्रॉम टायर टू। बाद में आप व्यू विड्रॉल रिक्वेस्ट स्टेटस का यूज करके स्टेटस देख सकते हैं। तो यहाँ पे अभी आपको क्लिक करना पड़ेगा विड्रॉल फ्रॉम टायर टू। तो जैसे ही विड्रॉल फ्रॉम टायर टू क्लिक करते हैं तो फिर आपका डिटेल आ जाएगा, जैसे कि प्रान नंबर हो गया, नेम हो गया, फिर टायर टू में कितना पैसा अभी अवेलेबल है, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद में विथड्रॉल ड्यू टू। इसमें जो है आपके पास में प्रीमेच्योर एग्जिट है और दूसरा है टायर टू पार्शियल विड्रॉल। तो यहाँ पे हम टायर टू पार्शियल विड्रॉल पे क्लिक करेंगे। तो जब मैं यहाँ पे टायर टू पार्शियल विड्रॉल को सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद में सबमिट क्लिक करता हूँ, तो फिर दो ऑप्शन आते हैं जो पार्शियल विड्रॉल के ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये आता है कि क्या लमसम विड्रॉल करना है, और दूसरा ऑप्शन आता है कि स्कीम वाइज यूनिट्स विड्रॉल। तो ये जो स्कीम वाइज यूनिट्स विड्रॉल, इस पेज को आप ध्यान में रखना, आगे चल के मैं स्कीम वाइज यूनिट्स विड्रॉल कैसे होता है उसके बारे में थोड़ा बताऊंगा। तो यहाँ पे अभी सेलेक्ट करते हैं लमसम विड्रॉल और फिर क्लिक करते हैं सबमिट पे। अब नया पेज ओपन होता है, उसमें प्रान नंबर हो गया, एंटिटी रजिस्ट्रेशन नंबर है, सब्सक्राइबर नेम, ये तो प्रीफिल्ड आ जाएगा। फिर यहाँ पे आएगा कि विड्रॉल अमाउंट, कितना पैसा आप निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप, मैंने यहाँ पे आपको जानकारी देने के उद्देश्य से यहाँ पे 1000 अभी निकाल रहा हूँ। और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन ये भी देख रहा है कि विड्रॉ टोटल होल्डिंग, तो ये अगर आप इसको टिक कर दोगे तो फिर टोटल होल्डिंग विड्रॉ हो जाएगा। तो मैं वो नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ 1000 रुपये निकालने के लिए प्रोसेस करता हूँ। तो 1000 रुपये यहाँ पे एंटर किया और उसके बाद में किया सबमिट। सबमिट करने के बाद में ये कन्फर्मेशन पेज आएगा, और उस कन्फर्मेशन पेज में यहाँ पे आप देख रहे हो सेंड OTP, तो इसको कंप्लीट करने के लिए सेंड OTP पे क्लिक करना है। तो सेंड OTP पे क्लिक करने पे आपके मोबाइल में और आपके द्वारा दिए गए ईमेल ID में वन टाइम पासवर्ड आएगा, उस वन टाइम पासवर्ड को यहाँ पे एंटर करना है। एंटर करने के बाद में सबमिट OTP आप क्लिक कर दो। जैसे ही आप सबमिट OTP पे क्लिक करते हैं तो फिर ये कन्फर्मेशन पेज आ जाता है, यहाँ पे आ रहा है विड्रॉल रिक्वेस्ट इनिशिएशन कंप्लीट, और एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये रहा आसान सा प्रोसेस। तो अगर आप अपने NPS टायर टू अकाउंट से पैसा निकालना चाहते हैं तो इसको फॉलो कर सकते हैं। पहले मैंने बताया था दो ऑप्शन है, लमसम है और स्कीम के कुछ यूनिट को भी हम चाहे तो निकाल सकते हैं। तो वो कैसे काम करता है, तो उसके लिए मैंने आपको बोला था कि इस पेज को ध्यान रखना। तो यहाँ पे मैं क्या सेलेक्ट कर रहा हूँ, पार्शियल विड्रॉल ऑप्शन जो है उसमें स्कीम वाइज यूनिट्स विड्रॉल, ये क्लिक करके सबमिट करता हूँ। तो जब मैं सबमिट करता हूँ तो यहाँ पे ये आप दिख रहा है कि ये जो तीन अलग अलग स्कीम नेम में जो मैंने मेरा पैसा जमा हो रहा है, टायर टू में स्कीम ई इक्विटी है, टायर टू में ही स्कीम सी कॉरपोरेट, टायर टू में ही स्कीम गवर्नमेंट। तो अब यहाँ पे मैं चाहूँ तो सेलेक्ट करके कितना यूनिट मुझे यहाँ पे अपना बेचना है वो मैं
यहाँ पे एंटर कर सकता हूँ और उसके बाद में सबमिट करूंगा। सबमिट करने के बाद में मुझे लग रहा है कि प्रोसेस तो वैसे ही है जैसे कि लमसम में है, मैं आगे नहीं बढ़ता हूँ। अगर आप चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन का भी चूज करके प्रोसीड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो तरीका हुआ कि आप कैसे NSDL CRA की साइट का यूज करके ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करके टायर 2 से अपना पैसा निकाल सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि इसमें कितना टैक्स लगेगा, जो हम पैसा निकाल रहे हैं उस पैसे पे कितना टैक्स लगेगा। तो इसको सिंपल से आपको ये समझना है कि जैसे आप स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, तो स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड में कैपिटल गेन पे टैक्स लगता है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी आपको कैलकुलेट करना है कि आपने, तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो शुरू का जो कंट्रीब्यूशन है उस कंट्रीब्यूशन में आपको अलग अलग स्कीम्स के कितने यूनिट मिले, और उसके बाद में जब आप पार्शियल विड्रॉल कर रहे हो तो उसमें से कितना यूनिट आप बेच रहे हो और कौन से प्राइस पे बेच रहे हो। तो आपके पास में शुरू में परचेस प्राइस है, सेलिंग प्राइस है और नंबर ऑफ यूनिट है, तो इसके द्वारा आप कैपिटल गेन निकाल सकते हो और उसी कैपिटल गेन पे फिर आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब म्यूचुअल फंड में जो इक्विटी स्कीम होती है उसमें जो कैपिटल गेन टैक्स है वो अलग है, जो डेट स्कीम होती है उसमें कैपिटल गेन टैक्स है वो अलग है। तो वैसे ही यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा। तो जब आप बेचते हैं तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप कितना कैपिटल गेन पा रहे हैं और उसके हिसाब से जब आप इनकम टैक्स जमा करेंगे तो उस समय आपको ये डिस्क्लोज करके बताना होगा। रही बात टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, तो इसमें ऐसा नहीं है, कोई टैक्स डिडक्शन एट सोर्स नहीं है, आपको खुद ही कैपिटल गेन पे टैक्स जमा करना होगा। दोस्तों अगर आप म्यूचुअल फंड के लिए नए हैं या फिर आप म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ी जानकारी रखते हैं पर चाहते हैं कि आप और अधिक डिटेल में जानकारी प्राप्त करें, तो उसके लिए आप मेरे बुक प्रिपेयर योरसेल्फ विद ABC ऑफ म्यूचुअल फंड्स, इसको अमेजोन से खरीद सकते हैं। और साथ ही मैंने द कंप्लीट म्यूचुअल फंड कोर्स उडेमी में लॉन्च किया है। यह कोर्स सबके लिए फायदेमंद हो सकता है, जो म्यूचुअल फंड के लिए नए हैं या फिर जो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, ऐसे ही और भी लोग जो म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी अधिक से अधिक पाना चाहते हैं वो मेरे इस कोर्स को ले सकते हैं। ये सभी डिटेल डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है, तो आप लिंक को क्लिक करके डायरेक्टली खरीद सकते हैं। दोस्तों आप मेरे वीडियो को अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, इंतज़ार करिए मेरे अगले वीडियो का। धन्यवाद।